हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम Asus के ROG सीरीज़ के लैपटॉप में ऑरा सिंक को फिक्स करते हैं। ये बेसिकली ROG के Strix G सीरीज़ के लैपटॉप्स के लिए, और हमारा जो लैपटॉप है उसका मॉडल है G531GT। आप ROG Strix के किसी भी मॉडल वाले लैपटॉप में ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम है ROG Strix G सीरीज़ के लैपटॉप्स में कि आर्मरी क्रेट में जब जाते हैं तो ऑरा सिंक सेक्शन में जाने के बाद डिवाइस नॉट अवेलेबल दिखाने लगता है, नो डिवाइसेस अवेलेबल ऐसा दिखता है, जिस वजह से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं ऑरा सिंक के फीचर्स लाइक पैटर्न्स चेंज करना, लाइट चेंज करना, ये सब। और इवन हम ऑफ भी नहीं कर पाते हैं बॉटम फोरग्राउंड और कीबोर्ड के लाइट्स को। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद एक फिक्स जो कि वर्किंग है वो निकाला, तो वही जानेंगे इसमें। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी वक्त ज़ाया हो इतना, तो मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और फिक्स करें अपने लैपटॉप के लाइटिंग्स यानी ऑरा सिंक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है वो आप अपने सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में जाएं, और उसके बाद आर्मरी क्रेट और आर्मरी क्रेट सर्विसेज इन दोनों को अनइंस्टॉल कर दें। तो अनइंस्टॉल करने के बाद एक बार आप रीस्टार्ट कर लें। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको उस तरह से करें, डेफिनेटली आपका सॉल्व होना चाहिए। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने दिया है ड्राइवर्स का, तो उस लिंक को ओपन करें, आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये बेसिकली Asus का ऑफिशियल साइट है जहाँ पर आपके मॉडल का ड्राइवर अपडेट मिलता है। यहाँ पर हम लोग अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे G531GT, आपका जो भी हो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, कई सारे ड्राइवर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नीचे आएंगे हम लोग यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे ड्राइवर्स के, जो ड्राइवर्स मैं बोल रहा हूँ आपको उन्हें इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले आप ये जो ROG लाइव सेटअप है 142 MB वाला, उसे डाउनलोड कर लें, और उसके बाद उसके नीचे जो 52 MB वाला है आर्मरी क्रेट सर्विस, इसे डाउनलोड कर लें। इन दोनों को डाउनलोड कर लें, मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये दोनों जिप फॉर्मेट में है, इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट होने के बाद सबसे पहले ROG लाइव सेटअप में जाएं, या फिर जो भी नाम है इसका, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद इसका जो ROG लाइव सर्विस पैकेज का जो सेटअप है उसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। डबल क्लिक करके जैसे ही आप इंस्टॉल करने लगेंगे तो ये बताएगा आपको, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो ये बता देगा आपको, अगर नहीं होगा ये चीज़ तो फिर सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये चीज़ कर लें। इसके बाद ऊपर में आप देख रहे हैं install.bat फाइल है, जो कि विंडोज़ बैच फाइल है। तो ये जो इंस्टॉल नाम का फाइल है उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, और थोड़ी देर वेट कर लें, कुछ सेकेंड, कई सारे कमांड्स ऑटोमेटिकली चलेंगे। चारों ओर और कीबोर्ड पर अगर लाइट्स नहीं आ रहे होंगे तो आप इतना ही करने पर आपका जो लाइट है वो आ गया होगा, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, अभी हमें ऑरा सिंक ऑन करना है अपने डिवाइस के लिए। तो अब ऑरा सिंक में अपना डिवाइस कैसे अवेलेबल होगा, तो उसके लिए हमने जो दूसरा जो ड्राइवर डाउनलोड किया था और एक्सट्रैक्ट किया था जो फोल्डर में, उसे ओपन कर लें। यानी आर्मरी क्रेट सर्विस वाला जो ड्राइवर हमने 52 MB वाला डाउनलोड किया था उसे ओपन कर लें। अब यहाँ पर इस सेटअप पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लें। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, रीस्टार्ट कर लें। मैंने बेसिकली सीन्स कट किया है और इंस्ट्रक्शंस जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपको इसके विंडोज़ के स्टोर में जाना है। अगर रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिला आपको तो आप एक बार रीस्टार्ट कर लें और उसके बाद फिर विंडोज़ स्टोर ओपन कर लें। स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली आप सर्च करें आर्मरी क्रेट, यहाँ पर एक आर्मरी क्रेट ऐप आ गया है Asus का, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। तो इंस्टॉल करने के बाद सिंपली लॉन्च पर क्लिक करेंगे और ये एक जगह एग्री करवाएगा आपसे, और उसके बाद फिर आपका जो आर्मरी क्रेट है वो वर्क करने लगेगा कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि ऑरा सिंक सेक्शन में हमारा जो लैपटॉप का मॉडल है वो आ चुका है, और अब जो है नो डिवाइसेस अवेलेबल नहीं दिख रहा है। अब ऑरा सिंक के सेक्शन में जाएंगे यहाँ पर तो कई सारे पैटर्न से हम चेंज कर सकते हैं जैसा मन वैसा, और लाइट इफेक्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद आप फाइनली एक बार और रीस्टार्ट कर लें अपने कंप्यूटर को, ताकि माइनर ग्लिचेस वगैरह हट जाएं। तो यही था एक बेस्ट फिक्स अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू फोनलेस। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना हो सके इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।